हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संचित और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अमेज़ॉन से रिलेटेड है, अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड रजिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स और पूरी प्रोसेस के बारे में, कैसे आप अपना ब्रांड जो है वो अमेज़ॉन पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तभी आप जो है अपनी ब्रांड रजिस्ट्री की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें, उसके बाद आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा पाएंगे अमेज़ॉन पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके पास अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए, या तो टेक्स्ट या तो इमेज फॉर्म में। दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास अपने ब्रांड का लोगो होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है वो अपने ब्रांड की पैकेजिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करना चाहते हैं अमेज़ॉन पर तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है। अब आते हैं बेनिफिट्स पर। बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अपनी लिस्टिंग से दूसरे सेलर्स को रिमूव कर पाएंगे। अगर दूसरा सेलर आपके लिस्टिंग के नीचे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है तो आप उसको रिमूव कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कोई दूसरा सेलर आपके ब्रांड नेम में अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप उसको भी रिमूव कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा एनहांस लिस्टिंग का। एनहांस लिस्टिंग क्या होता है कि एनहांस लिस्टिंग में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं इमेजेस और वीडियोस के साथ, जो कि आप बिना ब्रांड रजिस्ट्री के नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद एक और बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अपने ब्रांड का एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के बाद। उसके बाद अमेज़ॉन की तरफ से आपको ब्रांड रजिस्ट्री सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये हो गए आपके सारे बेनिफिट्स। अब चलते हैं पूरी प्रोसेस की तरफ। तो ब्रांड रजिस्टर करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होगा, आपको brandservices.amazon.in पर लॉगिन करना होगा। वहाँ पर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा पाएंगे अमेज़ॉन पर। तो उसके ऊपर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देखिए, आपको चीज़ अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना होगा। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक रजिस्टर्ड और एक्टिव टेक्स्ट या इमेज बेस्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए। उसके बाद आपको ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशंस फिल करके सबमिट करनी है, और अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे तो आप उसके बाद अपने एग्जिस्टिंग सेलर क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके आप साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री फीचर्स और बेनिफिट्स को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना ब्रांड जो है वो एनरोल करना होगा साइन इन करने के बाद, और ब्रांड एनरोल करने के लिए आपको अपना ब्रांड नेम प्रोवाइड करना होगा जिसका एक एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और वो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो आपके प्रोडक्ट्स पर और आपके पैकेजिंग पर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद आपको एक अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा जो कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से प्रोवाइड किया गया होगा, और उसके बाद आपको एक अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज की लिस्ट एक प्रोवाइड करनी होगी जिन कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट आप करेंगे। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे तो अमेज़ॉन ये वेरीफाई करेगा कि आप ट्रेडमार्क के राइट्स ओनर हैं, और फिर उसके बाद एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जाएगा जो कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता हो। उसको फिर एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, और वो वेरिफिकेशन कोड जो है आपको अमेज़ॉन को दोबारा सेंड करना है एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अमेज़ॉन जब वो आपकी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर देगा, जो उसके बाद आपको फुल सूट का एक्सेस मिल जाएगा अमेज़ॉन की तरफ से, जिसमें आप बेनिफिट्स और फीचर्स जो है उनको आप एक्सेस कर सकेंगे अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एनरोल नाउ के ऑप्शन पे, और एनरोल करने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। एनरोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए, आपको वो कंट्री सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आपको एक एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ऑलरेडी। तो यहाँ मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक एनरोल अ न्यू ब्रांड का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए पूरी प्रोसेस जो है उसको शुरू करने से पहले आपकी ट्रेडमार्क का एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा, और आपको इमेजेस प्रोवाइड करनी होंगी जो कि आपकी ब्रांडिंग शो कर रही है, मतलब जिस पे आपकी ब्रांडिंग जो है वो क्लियरली विजिबल है। अगर आपका कोई
वेंडर रिलेशनशिप है अमेज़ॉन के साथ, तो उसका एक वेंडर कोड आपको प्रोवाइड करना होगा और एक ASINs की सैम्पल लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद कंट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी जिस कंट्री में भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ उस क्लिक कर देंगे एनरोल योर ब्रांड। तो सबसे पहली चीज़ जो है ब्रांड इंफॉर्मेशन में आपको अपना ब्रांड नेम यहाँ पे डालना होगा। तो मैं एग्जांपल के लिए ये अपना ब्रांड का नेम है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना ट्रेडमार्क ऑफिस सिलेक्ट करना होगा, जो भी कंट्री के हिसाब से आप, जिस भी कंट्री में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है एक्टिव, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना करंट स्टेटस अपने ट्रेडमार्क का यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका पेंडिंग है तो आप पेंडिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर आपका ट्रेडमार्क टाइप वर्ड फॉर्म में तो आप वर्ड पे सिलेक्ट कर दीजिए, अगर आपका डिवाइस फॉर्म में है तो आप डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना एक न्यू ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट का URL प्रोवाइड करना होगा। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपनी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। उसके बाद लास्ट में यहाँ देखिए आपको एक अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट की एक इमेज एटलीस्ट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो अपलोड के लिए हम कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए एक इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। ब्लैंक्स फिल करने, सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे आता है सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें ये ऑप्शन है कि आपको यहाँ अगर सेलेक्ट करना है कि आप, अगर आप वेंडर हैं तो आप यहाँ वेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेलर हैं जो कि डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप सेलर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने ब्रांड की कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आप अपनी कैटेगरीज अपने अपने ब्रांड के हिसाब से एक कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपेरल सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ आप लास्ट में देखिए आपको अपनी एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए उस कैटेगरी में जो आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसका ASIN नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर दूँगा मेंशन कोई भी एक नंबर। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अगर आपका ब्रांड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट सेल करता है तो आप यहाँ यस क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं करता है तो नो कर दीजिए। आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ देखिए डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क्स टू अदर्स हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपका जो ब्रांड है क्या वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को अपना ट्रेडमार्क्स जो लाइसेंस अगर करता है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर दीजिए, अगर नहीं करता है तो नो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट फिल करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली आपने सबमिट कर दिए। और उसके बाद यहाँ आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ब्रांड रिव्यू में है तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो अंडर रिव्यू में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसी के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की जो प्रोसेस है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि और भी ऐसे ई-कॉमर्स में ट्यूटोरियल्स में आपके लिए लेके आता रहूँ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।